हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई मूवी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये मूवी बहुत कमाल की है। और ऐसे ही नई नई मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस मूवी की शुरुआत होती है एना नाम की एक लड़की की डेड बॉडी से। एना मर चुकी थी और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। एना एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल होती है जो की काफी फेमस थी। एना की डेड बॉडी को मुर्दा घर में रख दिया जाता है जबकि अगली सुबह उसका पोस्टमार्टम होने का डेट है। इसी बीच पाव नाम का एक वार्ड बॉय वहां आता है और वो एना की डेड बॉडी की न्यूड पिक्चर्स लेता है और अपने दोस्तों को सेंड कर देता है। उसके दोस्त का नाम इवान है। जब इवान एना की इन पिक्चर्स को देखता है तो वो अपने दोस्त जाविस के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्योंकि एना एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल होती है, इसलिए वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। इसी बीच इवान एना की बॉडी के साथ गलत करने की सोचता है। एना एक मशहूर मॉडल होती है इसलिए जब एना जिंदा थी तब ये लोग उस तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इवान इस चीज को मिस नहीं करना चाहता था। इवान पाव को बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना और पाव भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि पाव भी एक बार 17 साल की लड़की का रेप कर चुका था। और तभी इवान एना की डेड बॉडी के साथ गलत करने लगता है। जब इवान अपना काम पूरा कर लेता है तब पाव भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था और वो भी उसका रेप करने लगता है। लेकिन इसी बीच एना जिंदा हो जाती है और उसने पाव को अपने साथ ऐसा करते हुए देख लिया था। एना को जिंदा देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। एना जिंदा तो हो गई थी लेकिन उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज थी और उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे थे। तब इवान और पाव सोचते हैं इन दोनों ने एना का रेप किया है, अगर एना यहाँ से जिंदा बाहर गई तो उन दोनों को जेल हो सकती है। इसलिए इवान प्लान बनाता है कि एना को वहीं पर मार देगा क्योंकि सभी लोगों को पता है कि एना मर चुकी है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जावी उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन्हें डॉक्टर बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन इवान और पाव जावी की बात नहीं मानते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि जावी ने कुछ नहीं किया है इसलिए जावी ऐसा कह रहा है, जबकि एना अगर बाहर गई तो जेल इन दोनों को होगी और जावी बच जाएगा। जब जावी इन दोनों की बात नहीं मानता है तब ये दोनों खुद ही एना को बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन उस रूम को एक दूसरा वार्ड बॉय वहां आकर गलती से लॉक कर देता है जिस वजह से जावी बाहर नहीं जा पाता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। इवान और पाव जावी को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं यहाँ शोर मत मचाओ, लेकिन जावी नहीं मानता है और इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इवान यहाँ पर जावी को इतना मारता है कि जावी अधमरा हो जाता है। इवान को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जावी को बहुत मार दिया। इसके बाद ये दोनों जावी की ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसी बीच ये दोनों एना और जाविस को एक बाथरूम में बंद कर देते हैं। इवान बाथरूम में ही रुकता है ताकि एना वहाँ शोर ना मचाए। इसी बीच पाव दूसरे वार्ड बॉय से रूम को खुलवा लेता है। इवान जब जावी को देखता है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जावी की मौत से इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है और ये दोनों परेशान हो जाते हैं। पाव काफी डर जाता है क्योंकि अब उन्होंने एक मर्डर किया था। इसी बीच एना इन दोनों से कहती है, तुम मुझे जाने दो, मैं इन सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन इवान एना की बात पर विश्वास नहीं करता है और तब ये दोनों रूम से बाहर जाकर एक प्लान बनाते हैं। उन दोनों को जेल ना हो जाए इसलिए वो जावी की बॉडी को कहीं दूर जाकर फेंक देंगे और आकर एना को मार देंगे। ये दोनों बाहर प्लान बना रहे थे। उसी वक्त एना अपने बेड से उठने की कोशिश करती है और वो जावी का सेलफोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन इसी बीच इवान वहां आ जाता है जो कि उससे सेलफोन छीन कर पूछता है, तुमने अभी किसको कॉल किया था? तब एना बोलती है उसने अपने डैड को कॉल किया था और उसने अपने डैड को बता दिया कि वो जिंदा है। एना इन दोनों से ये भी कहती है कि तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। जब इवान और पाव एना की ये बातें सुनते हैं तब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता है और इसलिए ये दोनों एना को बाहर ले जाने लगते हैं। ये तीनों बाहर जा रहे होते हैं तभी जावी के मोबाइल में कॉल आता है जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जिसे एना ने कॉल किया था, लेकिन तब उसने कॉल रिसीव नहीं किया था और एना जिंदा है इसके बारे में अभी भी किसी को पता नहीं है। तब ये लोग एना को वापस लाकर उसी रूम में बांध देते हैं। इवान पाव को कहता है तुम एना पर नजर रखना और खुद डस्टबिन लेने बाहर चला जाता है ताकि वो जावी की बॉडी को उसमें डालकर कहीं दूर बाहर फेंकाए। इवान के वहां से जाने के बाद पाव जावी का गिरा हुआ ब्लड साफ करने लगता है, लेकिन इसी बीच एना अपने बेड से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान वहां आ जाता है और एना को देख लेता है और तब इवान एना को घसीटकर उसी रूम में ले आता है और एना की सांसें रोककर उसे मारने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जावी की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल देते हैं और इवान उसकी बॉडी को डस्टबिन में डालकर बाहर फेंकने के लिए जाता है। पाव भी उस रूम को अच्छे से ठीक करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एना की खांसने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि एना नहीं मरी है।
तब पाओ एना से कहता है कि तुम मरने की एक्टिंग करना और मैं इवान को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन इवान अपना एक कार्ड उसी रूम में भूल गया था जिस रूम में एना की डेड बॉडी थी, और इसलिए वो अपने कार्ड को लेने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि एना जिंदा होकर खड़ी थी। तभी वो पाओ पर गुस्सा होने लगता है। तब पाओ उसे एना को छोड़ने के लिए बोलता है। इन दोनों की यहाँ पर काफी लंबी बहस होती है और अंत में इवान भी एना को जिंदा छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी एना पीछे से आकर इवान को मार डालती है। इवान को मरता देखकर पाओ एना से कहता है, इवान तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए मान गया था। पाओ ये सब बातें कह ही रहा होता है तभी एना उस पर भी हमला कर देती है और उसे भी मार डालती है, और इस तरह एना अपना बदला ले लेती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।